आकार, स्थान एंड क्रिया की मात्रा. सो मैम ठीक सब रीतिवाचक मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, कालवाचक इज एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक है। इज एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड परिमाण वाचक इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी. राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैम व्हाट? नो मैम बट दिस इज ऑलरेडी सिंपल बिकॉज़ आई ऑलरेडी लर्नड इट मेनी टाइम्स इन अदर ग्रेड्स. दैट्स व्हाट आई सेड मैम. एंड या आल्सो द टीचर थॉट दिस टॉट दिस इन क्लास सो इट इज सो सिंपल. या And that's why I was saying that. So we can solve direct questions now. यस मैम वी कैन सॉल्व. मैम आई No. डोंट अंडरस्टैंड. What? मैं डोंट अंडरस्टैंड वन पार्ट इन दिस. Yeah, द that's why ओके I'm starting this from the beginning. Okay. ओके Okay. So मैम first of all, अव्यय होते क्या हैं? मैम इट मींस लाइक इट हैड इट डज नॉट हैव इट लाइक इट कैन नॉट बी चेंज्ड लाइक इन लिंग वचन कारक. अव्यय यानी ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। वो कभी बदलते नहीं हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक हाँ है, मैम तो अव्यय शब्द बेसिकली चार टाइप के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें संबंध बोधक जैसे हम, तुम, हमारा, तुम्हारा। समुच्चय बोधक एक कंजक्शन के फॉर्म में होता है, विस्मयादि बोधक जो इंटरजेक्शन। सो हम सिर्फ पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। अव्यय हाँ शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं, याद है? हाँ विकारी मैम और अविकारी। यस मैम. अविकारी मीन्स दैट लिंग वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. विकारी मीन्स जिन लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता. राइट राइट। ठीक है, तो अभी करते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, जो क्रिया हाँ की मैम विशेषता बताते हैं। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस है, पीटी उषा तेज दौड़ती है। तो क्रिया कौन सा हाँ है मैम इसमें? कौन सी है क्रिया? हम दौड़ती और दौड़ती है, क्रिया क्रिया विशेष है। कैसे दौड़ती है? तेज दौड़ती तेज है। तो दौड़ने की विशेषता हो गई तेज दौड़ना। यहाँ पे धीरे भी हो सकता था, है ना? हाँ मैम हाँ मैम जैसे मेरी बहन धीरे दौड़ती है, तो वो हाँ उसकी मैम विशेषता हो गई। दैट इज हाँ मैम एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया की रीति। हाँ मैम नेक्स्ट है, वह कल आएगा। कल आएगा। अब अच्छा, ये कौन सा वाला कल है? भूतकाल वाला या भविष्य वाला? भविष्य मैम लाइक भविष्य मैम वाला। क्यों? क्योंकि वह कल आएगा लाइक ही विल कम टुमारो बट इफ इट वॉज लाइक इफ इट वॉज भूतकाल देन इट वुड हैव बीन वह कल आते थे आए वह कल आए थे ओके, ठीक है। वह कल आया था या वह कल आया? यस मैम आए थे जब लिखोगे तब जब बहुवचन होगा, वे कल आए ओके थे वैसे। ठीक है, ठीक है तो मैम ये कल है, कल भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने देखो वे लिखा हमने, तो भी कल ही रहेगा। तुम, तो हाँ भी कल रहेगा। हम, तो भी कल ही रहेगा। विच मीन्स हाँ मैम इट डजन गेट चेंज। सो ये भी हो गया एक अविकारी शब्द। और चूंकि ये टाइम बताता है, दिस एडवर्ब ऑफ टाइम या कालवाच, काल क्रिया का काल। हाँ मैम नेक्स्ट इज, तुम भीतर बैठो। भीतर
बाहर, अंदर, बाहर, बीच में, ये सब कौन क्या है? ये सब स्थान है, प्लेस। हाँ मैम, ये सब ठीक है। हाँ मैम, और कुछ भी आएगा, चाहे एक के लिए आएगा, चाहे अनेक के लिए आएगा, चाहे म के लिए आएगा, या हम के लिए आएगा, या किसी और के लिए आएगा। भीतर हमेशा भीतर, आपने कभी देखा है भीतरी, भीतरा, ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं? नहीं। मैम नेवर हर्ड या इवन आई हैव नेवर हर्ड। सो दैट्स व्हाई ये भीतर एक अविकारी शब्द है, और चूंकि ये स्थान बताता है इसलिए ये स्थानवाचक, या बोलू मैं अविकारी शब्द। कम बोलो, मैम इट्स अ क्वांटिटी, लाइक राइट, अधिक, कम, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, थोड़ा, बहुत। हम्म, हाँ तो ये है, मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, और ये भी कभी किसी लिंग वचन कारक की वजह से परिवर्तित नहीं होते। ओके, हाँ मैम, तो ये चार प्रकार की क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। हाँ मैम, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया संपन्न होने की रीति की विशेषता का बोध हो, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यस मैम, बेसिकली आफ्टर आस्क द वर्ड लाइक कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल वह अचानक आ गया, वह कैसा आ गया, वह अचानक आ गया, सो कैसे, द एडवर्ब ऑफ मैनर, अच्छा, अगर कैसे की जगह क्यों क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा? नहीं मैम, मैम बट ओनली वर्क्स विद कैसे, नो अदर वर्ड्स। और अगर कहां पूछा जाए तो मैम इट्स स्थानवाचक, कहां और कब? मैम इट्स कालवाचक। गुड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, वह अवश्य आएगा, तो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं तो वह कैसे आएगा? अवश्य आएगा। वह धीरे धीरे सब कार्य कर लेगा, जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। देख रहे हैं आप कितने सारा है इसमें, धीरे धीरे एक वर्ड है। नाउ यू विल सी कि टू थिंग्स यू विल सी, फर्स्ट कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो लिंग वचन और कारक से बदल नहीं रहे हैं, यानी कौन से अविकारी शब्द हैं इस सेंटेंस में, और रीतिवाचक कौन से हैं। ठीक है, जैसे कार्य भी एक अविकारी शब्द हो सकता है क्योंकि वो भी नहीं बदलता, बट चूंकि ये क्रिया विशेषण नहीं है, राइट, कार्य तो अपने आप में कार्य करना एक ऑब्जेक्ट है ये, बट सिंस ये क्रिया विशेषण नहीं है सो हम सिर्फ क्रिया विशेषण की तरफ ध्यान देंगे, और क्रिया विशेषण किस तरीके से काम कर रहा है हम उस पर ध्यान देंगे सिर्फ। हाँ मैम, ठीक है, नहीं तो सब भी एक अव्यय शब्द है, राइट। हाँ मैम, छूट भी एक अव्यय शब्द है, लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है इसलिए हम इन पर ध्यान नहीं देंगे। हाँ मैम, ओके, नेक्स्ट है, वर्षा अचानक शुरू हो गई। वर्षा कैसे शुरू हो गई, अचानक शुरू हो गई, तो शुरू होना इसमें है क्रिया,
और उसकी विशेषता है अचानक शुरू होना, तो वो हो गया क्रिया विशेषण. रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द. हाँ मामी. ओके रोशनी. हाँ मामी. और कौन कौन से हो सकते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण? देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है. परिश्रम, तेज, तर्क. बोलिए. ऐसे जैसे ठीक, गलत, झूठ, सच, ध्यानपूर्वक, सफल, रीतिवाचक आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानते हैं. So you should learn these words, or you should keep in mind. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण. हाँ मैम. जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने या करने के काल का या समय का बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं. नाउ व्हाट दिस बॉय इज डूइंग? स्विमिंग ऑन द टायर, फ्लोटिंग. यस मैम. ही मैम वह मैं अक्सर तैरने जाता हूँ. मैम सो मैं कब तैरने जाता हूँ? मैं अक्सर तैरने जाता हूँ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक दिस हैबिट कि सबसे पहले आप, चूंकि हम क्रिया विशेषण देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्रिया ढूंढो, फिर वो ढूंढो. सी इन दीज एग्जाम्पल्स वर्ड्स आर ऑलरेडी हाईलाइटेड, बट एग्जाम में हाईलाइटेड नहीं होंगे, राइट? तो आप क्या करोगे, आप पहले क्रिया ढूंढोगे, फिर देखोगे कि कौन से वर्ड उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, फिर आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करो और फिर आप अकॉर्डिंगली आंसर ढूंढो. रोशनी, हेलो. Oh, ma'am, suddenly actually I left the meeting. I don't know how. It just left by itself. Oh, okay. Yes, ma'am. They were saying that you are here, then how you can be in the waiting room? Yes, ma'am. That's it. Like, I think there was a glitch because I was attending the class for a long time. That's it. There's some glitch sometimes in Zoom. So I was saying that in the exams, the words won't be highlighted. Here the words are highlighted. Okay. So what you will do, first you will check the kriya and then you will find the kriya visheshan shabd. Yes, ma'am. Okay. Yes. जैसे है राम कल आएगा, मैं प्रति वर्ष घूमने जाता हूँ, मेरी माँ दिन भर काम करती है, मैं अक्सर तैरने जाता हूँ, तो इन शब्द में जो भी हाईलाइटेड वर्ड है वे रेस्पेक्टिव अपनी अपनी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं. राम कब जाएगा? राम कल जाएगा. सो मैं कल घूमने जाता, मैं प्रति वर्ष. मेरी माँ कल काम करती है, मेरी माँ दिन भर. मैं कब तैरने जाता हूँ? मैं अक्सर तैरने. सो ये कालवाचक है क्योंकि इनसे समय का बोध हो रहा है. हाँ मैम, समय का बोध बताते हैं क्रिया के करने या होने का समय. हाँ का मैम. ठीक हाँ है. हाँ और कुछ एग्जांपल्स हैं मैम? लाइक मैं आजकल व्यायाम करता हूँ. सो कब? तो मैं कब व्यायाम करता हूँ? मैं आजकल. और राम कब प्रतिदिन घूमने जाता है? मैं राम कब घूमने जाता है? मैं प्रतिदिन राम प्रतिदिन घूमने जाता है. और इस कार्य को कब पूरा कर लीजिए? इस कार्य को अभी पूरा कर लीजिए. माँ ने कब खीर बनाई? माँ ने आज खीर बनाई. राइट. सो कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कब या किस समय लगाकर बने प्रश्न से जो उत्तर मिलता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है. अब इसके कुछ वर्ड्स देखिए जो एग्जांपल्स हैं. अभी, गत वर्ष, हमेशा, लगातार, आज, परसों, बहुधा, प्रतिवर्ष, कभी कभी आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं. रोशनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बहुधा?
मैम दैट मीन्स मोर, बहुधा. मोर. यस मैम. श्योर? यस मैम आई थिंक सो. बट मोर अगर है इसका मतलब, देन इट शुडन बी इन द प्लेस ऑफ लाइक जो उसके समय का बोध कराए. मैम सो इट शुड बी लाइक मैम कैन यू टेल द मीनिंग आई एम नॉट श्योर. इट्स लाइक अक्सर, लाइक ऑफन. ओ ओके मैम ओके. अरे अरे ओके. सो नेक्स्ट इज, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट? यस मैम. स्थानवाचक क्रिया विशेषण. जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया घटित होने के स्थान के विषय में बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं. यस मैम. लाइक राम भीतर पढ़ रहा है तो कहाँ पढ़ रहा है? भीतर. और परीक्षा के दिनों में कहाँ मत घूमो घूमो. परीक्षा के दिनों में इधर उधर मत घूमो. छत पर कहाँ जाओ? छत पर ऊपर जाओ. सो आप देखोगे कि इन शब्दों में हम लिंग वचन कारक कुछ भी चेंज कर दें, ये वर्ड्स ऐसे के ऐसे रहेंगे. मैम वी कैन से लाइक ऊपरी और ऊपरे लाइक दैट. लाइक ऊपर देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज ऊपर. राइट. अब चाहे एक व्यक्ति ऊपर जाएगा या अनेक व्यक्ति ऊपर जाएंगे, चाहे स्त्रीलिंग ऊपर जाएगा चाहे पुल्लिंग ऊपर जाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही रहेगा. हाँ मैम. ओके, जैसे एग्जाम्पल है, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इधर बैठो, इस कागज के हाँ आर पार दिखता है, मैम यह चरखी चारों एक घूम रही है. हाँ मैम. तो ये सब वाक्यों के प्रश्न ये है कि कहाँ कहाँ जाओ, कहाँ मत जाओ, कहाँ बैठो, इस कागज के कहाँ दिखता है, यह चरखी कहाँ और घूम रही है मैम. और राइट. ये भी लाइक वर्ड है कि भीतर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे बास दूर यहाँ वहां इधर उधर ऊपर की ओर नीचे की ओर. या ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है. राइट. एंड द लास्ट इज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण या माप तोल की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं. हाँ मैम. लाइक क्वांटिटी लाइक कम बोलता है. यस, कम, और हाँ ज्यादा, थोड़ा, अधिक. मैम. लाइक कै मैम लाइक ये लाइक कितना लाइक ये वर्ड्स कितना कितने और कितनी वो लाइक सो वह कितना बोलता वह कितनी बोलता है और उसके पास कितना धन है. राम कितनी नहीं करता. नाम कितनी नहीं कर कितना नहीं कितने या नहीं कर कुछ नहीं. भी नहीं करता. सो इसमें आप एग्जैक्टली आप इसमें क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि राम कितना नहीं करता. हाँ मैम. तो राम कुछ भी नहीं करता. ठीक है. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो क्रिया के बारे में एक परिमाण या एक क्वांटिटी के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया वाचक विशेषण कहते हैं. और उनके जो अव्यय हैं वो हैं कम, पर्याप्त, कुछ, बहुत, थोड़ा, ज्यादा, काफी, उतना, जितना. ये शब्द क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं. हाँ मैम. ठीक है. हाँ अब मैम. है कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें, तो हम भी उन पर ध्यान देना चाहेंगे. क्रिया हाँ मैम. विशेषण एवं विशेषण क्या? मैम द डिफरेंस बिटवीन
विशेषण एंड क्रिया विशेषण. इट्स काइंड ऑफ सिंपल बिकॉज क्रिया विशेषण लाइक क्रिया विशेषण डिस्क्राइब्स द वर्ब लाइक राम अधिक पढ़ता है तो डिस्क्राइबिंग पढ़ता एंड विशेषण डिस्क्राइब्स द नाउन बेसिकली लाइक सरिता के पास अधिक पुस्तके सो basically it's describing the pustake so that's visheshan right so kriya visheshan means aise shabd jo kriya ki visheshtaen bataye aur visheshan aise shabd hain jo sangya ya sarvanam ki visheshtaen bataye that's why I've told you in the beginning ki jab aap exam mein dekhoge to pehle aap kriya dhoondoge fir wo dekhoge ki us kriya ki visheshta kaun se shabd bata rahe hain ठीक है मैम तभी आप एक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं अदरवाइज उस वाक्य में और भी बहुत सारे शब्द होंगे अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा हाँ मैम चलिए क्वेश्चंस करते हैं जी हाँ मैम क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है मैम इट्स ट्रू क्रिया विशेषण अव्यय का भेद नहीं है एक्चुअली इट इज अ भेद सॉरी सर अव्यय को अविकारी शब्द भी यस मैम इट्स ट्रू कितना प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर में मिलना वाला शब्द नो यस 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 मैम कहां प्रश्न के उत्तर मिलना वाला काल नो मैम इट्स फॉल्स निम्नलिखित से क्रिया का तो जरूर के भेदों के नाम ओके मैं माँ आज कानपुर गई सो मैम ये गई इज द वर्ब सो माँ का माँ कब कानपुर गई है माँ आज कानपुर गई है मैम तो ये कालवाचक है ओके मैम और दे टेलिंग दैट रे और क्रिया शेषन शब्द इज आज पिताजी प्रतिदिन घूमने इज द वर्ब सो पिताजी कब घूमने जाता है पिताजी प्रतिदिन घूमने सो प्रतिदिन ये क्रिया विशेषण शब्द है और ये कालवाचक है कछुआ धीरे धीरे चलता है कछुआ कैसा चलता है कछुआ नो चलता है द वर्ब्स ऑफ कछुआ कैसा चलता है कछुआ धीरे धीरे चलता है तो मैम ये एडवर्ब रीति वाचक है राइट रमेश बहुत रोया रमेश कितना रोया रमेश बहुत रोया तो मान ये परिमाण वाचक है और बहुत और नवीना अचानक गिर पड़ी नवीना कैसे गिर पड़ी रवीना अचानक गिर पड़ी तो मैम ये रीतिवाचक है इस घर के आसपास वृक्ष हैं इस घर के आसपास वृक्ष है मैम तो इस घर को मैम इस घर को आसपास वृक्ष है सो मैम ये मैम ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है इस घर के कहाँ वृक्ष है इस घर के आसपास वृक्ष है घोड़ा तेज भाग रहा है
घोड़ा कैसे भाग रहा है? घोड़ा तेज भाग रहा है. मैम ये रीति वाचक है गुड. और तेज क्या विशेषण ओके. है मैम? और सेंटेंस नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण का प्रयोग करके वाक्य बनाए. तो जल्दी, मैं कल जल्दी उठती हूँ क्योंकि मैं इंडिया जा रही है. मैं कल जल्दी उठूंगी क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूं. यस मैम. ठीक है. और हिंदी में इंडिया को भारत कहते हैं. ओके मैम. मैं सेंटेंस लिखूं? ओके मैम. Are you really coming to the India? Oh no, ma'am. Not now. Of course. Next. Okay. Ma'am, next is बाहर. घर के बाहर घर के बाहर एक मैदान है. वह घर के बाहर, उसे घर के बाहर एक. राम के घर, राम ग और उसे इज ऑल्सो ओके बट उस इज ऑल्सो ओके बट या एंड ऊपर घर के दुनिया के ऊपर आसमान है. समथिंग घर के ऊपर एक फैन है. घर के ऊपर, लाइक ऑन द हाउस. ओ ऊपर छत के ऊपर जाओ छत के ऊपर जाओ. जाओ. हाँ, करेक्ट. ज्यादा वह ज्यादा ज्यादा राम आज ज्यादा खुश है. यस मैम डन. ठीक है. देयर इज वन मोर एक्सरसाइज ऑन दैट. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण को पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए. मेरे पास कई फ्रॉक है मैम. तो ये विशेषण है क्योंकि फ्रॉक को डिस्क्राइब करती है. इज इट करेक्ट? मैम इज इट पढ़ो, मैं करेक्ट? बताती हूँ. मेरे पास कई फ्रॉक है मैम. तो ये फ्रॉक लाइक इट इज टेलिंग लाइक मेरे पास फ्रॉक. एक्चुअली इट शुड बी क्रिया विशेषण. एक्चुअली इट्स अ विशेषण. और मैम जो फॉर आई थॉट फर्स्ट इट्स विशेषण देन आई थॉट because of your expression then I change it to clear and then now you're telling No, your answer should be the correct. Then, due to the expressions, answer shouldn't be changed. oh Okay.
निरंतर वर्षा हो रही है। मैम हो रही है क्रिया शब्द, तो ये निरंतर वर्षा, मैम ये और निरंतर वर्षा, मैम विशेषण, ये क्रिया विशेषण है। ओके मैम, जस्ट अ सेक, ओके मैम, तब तक बाकी के करो, ओके मैम। Yes, ma'am, I'm done. Ma'am, third is Visheshan, fourth is Kriya, Visheshan, fifth is also the same. Kriya Visheshan. Kriya Visheshan and Kriya Visheshan. बताइए वर्ड कौन से हैं इसमें? मैम विच वन? यस, द क्रिया विशेषण या विशेषण शब्द कौन से हैं? मैम विशेषण शब्द, मैम वर्ब है लाना, बट द नाउन इज आर्म्स, सो द इट्स डिस्क्राइबिंग 2 kilo arms, सो दैट्स व्हाई इट्स विशेषण. द नेक्स्ट वन इज क्रिया विशेषण बिकॉज़ इट्स डिस्क्राइबिंग हाउ ही एट, सो दैट्स अ kata is verb, that's why it's a kriya visheshan. And jhoot mat bola, so bola is the verb and it's bolo. Describing bolo, so bolo is the verb and it's describing that, like how to speak, so that's why it's a kriya visheshan. So kriya visheshan shabd kaun sa hai jhoot mat bolo mein? Ma'am bolo क्रिया शब्द है और झूठ मत बोलो इस क्रिया विशेषण. तो झूठ है या मत है क्रिया विशेषण? मैं मत है. मत है, ठीक है. तो सबसे पहले आप क्रिया को देखेंगे, अगर कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो क्रिया विशेषण है, और अगर वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है. इस तरह से आप पहचान सकते हैं. ठीक है, ठीक है मैम. ये क्रिया विशेषण भी खत्म. यस मैम. नाउ आई विल गिव यू होमवर्क. ओके ओके मैम. क्रिया विशेषण अव्यय शब्द के लिए मैं शीट दूंगी आपको, आफ्टर द क्लास आप उसको सॉल्व कर लेंगे फॉर द प्रैक्टिस. ओके मैम. ओके जी. ओके रोशनी, नाउ व्हाट? मैम वी कैन एंड द क्लास. आर यू डूइंग एनी कंपोजिशन प्रैक्टिस? मैम नाउ नॉट डूइंग बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू गेट एनीथिंग. Not able to getting what? Ma'am, not able to get anything. What you are not getting? Ma'am, the chitra varnan, because the same chitra is coming. Either it's a park or it's a beach and it's so boring. That's what I stopped doing. Okay. And what if I give you something new then? Yes, ma'am, then it's okay for me. Because again, it's like beach and other than beach, something else. Because the same thing I did it so many times. Right, I got it. And what about the letters or anuchhed? Yes, ma'am, you can give. Or samvad lekhan? Yes, ma'am, also you can give in
You can give us homework if you find anything. Okay, that's fine. So आप एक आपके है आपके अनुच्छेद है संवाद लेखन है पत्र है और चित्र वर्णन है ये चारों चीज आने वाली हैं क्या एग्जाम में मैम मुझे नहीं पता है क्योंकि like मैम they didn't give the syllabus yet so I have to check and tell and when you are expecting your next exams मैम मार्च 7th essay मार्च 7th for 80 marks 80 marks yes, paper on ma'am. March 7th yes ma'am that's so close yes ma'am okay try to find out the syllabus and as soon as you get it just message me okay ma'am okay and after the class I'll send you a homework whatever okay, you okay ma'am okay and if you okay. know your syllabus right now you can message me today as well so from those topics only yes, I'll give you the homework yes ma'am I will message you after the class now only okay okay Roshni then okay. bye bye thank you welcome